स्पेशली ये फ्रंट लुक देख के तो लाइक कोई भी पागल होने वाला है। हाय गाइस, मेरा नाम है विकास और आप मुझे देख रहे हैं ETU स्टूडियो पे। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हमारे पास इंडिया की दो सबसे फेमस SUVs हैं। तो आज हमारे पास है दो फॉर्च्यूनर, वो भी ब्लैक कलर। अब ये दोनों फॉर्च्यूनर ना बहुत सिमिलर हैं बहुत सारे वेज में, बस इनमें एक डिफरेंस है कि एक अभी जस्ट शोरूम से डिलीवरी लेके निकली है और दूसरी ऑलमोस्ट एक साल हो गए हैं। अगर आप इस चैनल पे पुराने हो तो आपने हमारे मोस्ट ऑफ द वीडियो स्टार्टिंग में देखा होगा कि हम स्टूडियो में शूट करते हैं। अपने स्टूडियो में शूट करने से हट के आज हमने सोचा कि गाड़ियों के साथ शूट करते हैं यार, वो भी ओपन एनवायरनमेंट में शूट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। ब्लैक आज एक इतना पॉपुलर कलर है कि लोग ब्लैक बहुत ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, बट ब्लैक एक बहुत ही हाई मेंटेनेंस कलर है और ब्लैक को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग चाहिए। इनफैक्ट मेरा तो एक कहावत भी है जो मैंने सुना था किसी बड़े बुजुर्ग से कि ब्लैक से आप प्यार करोगे तो ब्लैक आपसे प्यार करेगी, अगर आप ब्लैक को प्यार नहीं दोगे तो ब्लैक आपको कभी वापस प्यार नहीं देगी। ज्ञान तो मैंने बहुत दे दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों गाड़ियाँ इतनी लेजेंडरी फॉर्च्यूनर हमारे पास आई क्यों हैं। तो इन दोनों गाड़ियों पर होने वाला है PPF। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये फॉर्च्यूनर जस्ट कल शोरूम से निकली है, तो अभी इस पे आगे पूजा जो होती है उसके मार्क्स भी हैं, प्लस दूसरी वाली फॉर्च्यूनर को एक साल हो गया है। दोनों गाड़ियाँ दिखने में बहुत सिमिलर है, सेम मॉडल है दोनों, एक 4x2 है और एक 4x4 है। ये डिफरेंस आपको डेफिनेटली लगेगा क्योंकि इसके अलॉयज डिफरेंट हैं, बट अगर आप देखोगे तो फ्रंट से फेसिया दोनों गाड़ी का सिमिलर है। इस गाड़ी में हल्का फुल्का एक दो जगह डेंट्स हैं और स्क्रैचेज हैं जो कि ग्रेजुअली हम रिमूव करेंगे। ये गाड़ियाँ हमारे पास आई हैं PPF के लिए, बट इन गाड़ियों को ब्लैक पूरी तरह से कन्वर्ट हम करेंगे। अगर आपने मेरे फॉर्च्यूनर को देखा होगा तो मैंने अपनी फॉर्च्यूनर PPF के पहले पूरी ब्लैक्ड आउट कराई थी। एग्जैक्टली सेम चीज़ हम इन गाड़ियों पे भी करने वाले हैं। अभी जब मैं बात करता हूँ पूरी ब्लैक्ड आउट का, तो आपको फॉर्च्यूनर में बहुत सारे क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं, प्लस अगर आपको फॉर्च्यूनर टोयोटा से जल्दी चाहिए और आपको वेटिंग पीरियड अवॉइड करना है तो टोयोटा के डीलरशिप आपको बोलते हैं कि हमारे एक्सेसरीज लेने पड़ेंगे। अगर हम बात करें एलॉयज की, तो फॉर्च्यूनर में 4x4 में 18 इंचेस एलॉयज आते हैं, प्लस वहीं 4x2 वेरिएंट में आपको मिलते हैं नॉर्मल 17 इंचेस के एलॉयज। दोनों का एलॉयज का कलर, दोनों का एलॉयज का साइज, दोनों का एलॉयज का पैटर्न डिफरेंट है, टायर साइज डिफरेंट है। यहाँ पे आपको ऑल्टरिंग टायर्स मिलता है जो कि 4x2 वेरिएंट में मिलता है, बट 4x4 में हाईवे टेरेन मिलता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार कि 4x4 में आखिर टोयोटा हाईवे टेरेन क्यों देता है। अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब एलॉयज दोनों में आते हैं, बट हम इन एलॉयज को करने वाले हैं ब्लैक, प्लस इस गाड़ी में जो कि है 4x2 वेरिएंट, इसमें हम करने वाले हैं कैलिपर्स को रेड। अब ये फॉर्च्यूनर ऑलरेडी इतनी सुंदर दिखती है, बट इसमें छोटे छोटे ऐसे मॉडिफिकेशंस के बाद ना ये फॉर्च्यूनर हो जाएगी कंप्लीटली डार्क एडिशन। तो आज सुबह जब हमने आपको फॉर्च्यूनर दिखाई ना, तो वो बहुत ही अलग शेप में थी, और अभी फ़िलहाल देखो इसका बम्पर हमने रिमूव कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो इसका क्रोम पार्ट था ना उसको हमें डीक्रोम करना है एंड देन उस पर प्राइमर अप्लाई करके फिर उसको ग्लॉसी ब्लैक में पेंट करना है। और मेरी एक बार फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हुआ था एक हाईवे पर, एंड मुझे गाड़ी के अंदर ना बिल्कुल भी कोई, मेरे सारे के सारे छः या सात एयरबैग्स थे, नी एयरबैग तक सारे एयरबैग्स डिप्लॉय हो गए थे, और मेरे बस हाथ में एक खरोच आई थी, वो भी एयरबैग के फटने की वजह से, जब वो फटता है स्टेयरिंग का कॉलम तो उससे आई थी, अदरवाइज़ मेरे इम्पैक्ट ना अंदर तक केबिन तक आया भी नहीं था। प्लस यहाँ पे भी जो ये बैजिंग है फॉर्च्यूनर की, ये काफ़ी ज़्यादा क्रोम है इसमें, एंड कस्टमर को मेरी तरह पूरी गाड़ी ब्लैक चाहिए थी जैसे मैंने अपनी गाड़ी में कराया था। तो अभी हम फ़िलहाल ये वाला पार्ट खोल रहे हैं और इस पार्ट को हम पहले डीक्रोम करेंगे जैसे हम आगे वाले को कर रहे थे, एंड देन ये पार्ट इस पर जाके वापस फिट होगी एंड फिर उसका स्टार्ट होगा PPF।
अब दोनों गाड़ियां जो हमारे पास आई थी बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन पे आई थी, क्योंकि कस्टमर को गाड़ियां बाहर लेके जानी थी। तो डे वन से हमने इन गाड़ियों पे काम करना स्टार्ट किया, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था कि हमें पार्ट्स अलग करके उसको अपने सैंडिंग बे में ले जाके अच्छी तरीके से डीक्रोम एंड देन उस पर प्राइमर एप्लीकेशन, ताकि हम उसको पेंट के लिए रेडी कर पाएं। हमारे पास आज आई है कनाडा से ये रेंज रोवर विलार। अब इस पर आपको मैप देख के पता चल रहा होगा ये गाड़ी कितने दूर से आई है। कनाडा से, यूनाइटेड स्टेट से होते हुए ये पहुंची यूनाइटेड किंगडम, और वहां से पूरा यूरोप घूमते हुए ईरान वाया पाकिस्तान ये पहुंची है इंडिया, और ये पहुंची है डिटेलिंग डेविल रेड कार्पेट पे टू गेट ए डीप ड्राई क्लीन। तो अभी हम बहुत टाइम से सर से बात कर रहे थे, उनके एक्सपीरियंसेस जान रहे थे कि यार पूरे गाड़ी का, पूरे ट्रिप का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो तो बहुत ही अमेजिंग था, वो मेरे व्लॉग चैनल पे आपको देखेगा। बट अभी हम आपको लेके चलेंगे फॉर्च्यूनर के एलॉयज दिखाने। हमारे पास जो फॉर्च्यूनर्स आई है ना, वो काफ़ी टाइट स्केड्यूल पे आई है, बहुत ज़्यादा टाइमलाइन टाइट है अपना। तो यहाँ पे ना हमने इनके एलॉयस तो पूरे पेंट कर दिए, जो शॉट्स आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे। तो ये ग्लॉसी ब्लैक में हमने इनके एलॉयस पेंट किए हैं, रेड कैलिपर्स जो हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, जो कि है फरारी रेड। अब इस एलॉयस को सूखने में, वैसे तो अगर नेचुरली अगर सूखना होगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो बेसिकली जो हम प्रोसेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं बेकिंग का। तो यहाँ पे अपने पेंट बूथ पे ये आईआर लैम्प सेट करके इसको हम बेक कर रहे हैं, ताकि ये प्रॉपरली सूख जाए और पेंट कहीं से चिप ऑफ होने का फिर डर नहीं रहे। अगर हम बिना आईआर लैम्प के इसको छोड़ते हैं ना, तो इट विल टेक टाइम टू ड्राई अप, एंड अगर प्रॉपरली ड्राई नहीं हो रहा है और मैं टायर्स को फिट कर रहा हूँ गाड़ी में, तो वहाँ पे पेंट की वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी जो एक्चुअली हमें चाहिए। अब बहुत सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ना डार्क एडिशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है लोगों के बीच में। ये जो ब्लैक कलर है ना, बहुत ही प्यारा लगता है, और अगर पूरी गाड़ी ब्लैक्ड आउट होना तो उसका लुक कुछ अलग ही निखर के आता है। फॉर्च्यूनर अनफॉर्चुनेटली कोई डार्क एडिशन में अवेलेबल नहीं है, तो इसमें लोग सेलेक्ट करते हैं कि अपनी ब्लैक गाड़ी को कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट करा ले। यहाँ पे गाड़ी का डीक्रोम का प्रोसेस ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है, और हम कर रहे हैं प्राइमर एप्लीकेशन। नेचुरल रेड, तो अभी पेंट बूथ जा रहे हैं, कल हमने दिखाया था कि प्राइमर, अरे ऐसे जैसे हेलोविन पार्टी नहीं होती है वहाँ पे ना स्कल्स लटके रहते हैं, ये सारे हैंडल में प्राइमर वगैरह हुआ। और क्योंकि हमें एक डेडलाइन को मीट करना है, तो बेकिंग के लिए हम आईआर लैम्प्स यूज़ कर रहे हैं, पियानो ब्लैक हो जाएंगे सारे पार्ट्स। और इनफैक्ट आप ये देखो, ये जो टोयोटा ये जो आता है ना, ये व्हील कैप है, ठीक है, जो अपने एलॉयस पे आएगा ना, तो इसको भी हम ब्लैक कर रहे हैं। इसमें सिर्फ टोयोटा का लोगो हमने, ब्लैक प्राइमर डलेगा। अच्छा, ब्लैक प्राइमर डलेगा एंड फिर पेंट डलेगा। देख सकते हो 4.1 यहाँ पे रियर डोर का हम चेक कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 4.1 सिमिलर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं 4.2। मतलब आप देख सकते हो कि पेंट में कितनी यूनिफॉर्मिटी है। यहाँ पे हम फेंडर चेक कर रहे हैं, इट्स अगेन 4.2। तो ये टोयोटा की बहुत अच्छी बात है कि पूरी पेंट में यूनिफॉर्मिटी है। बट अगर हम इसका बोनट चेक करते हैं, जो कि 8.6, ठीक है, 8.6 बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 9.4 अगर हम यहाँ चेक करते हैं, इस कमिंग आउट टू बी 8.9। अब आप देख रहे हो कि ये 8.9 आया है, जबकि पूरे कार में पेंट बहुत ही यूनिफॉर्म है,
बट पेंट का जो पेंट गेज मीटर बता रहा है कि इसका जो बोनट है वो पेंटेड है। अभी यहाँ पे जब हमें रियलाइज हुआ, बिकॉज यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा पिन होल्स दिखे और डस्ट पार्टिकल्स दिखे, फिर हमने इसका वापस से चेक किया और रियलाइज़ किया कि एक चीज़ पेंटेड है। एंड सेम चीज़ें हमने कस्टमर को भी इन्फॉर्म किया, इनफैक्ट कस्टमर वॉज वेरी शॉक्ड क्योंकि गाड़ी अभी टेम्परेरी नंबर है, ही इज़ कमिंग। एंड अभी जब सर आते हैं तो उनको भी ये सारी चीज़ें हम चेक करवाएंगे ताकि उनके इन्फॉर्मेशन उनके नॉलेज में भी रहे कि जो गाड़ी उन्होंने ली है उसका बोनट का पेंट डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कार। सिक मोटो वॉज टू इन्फॉर्म यू दैट ओके दिस वॉज द निगल दैट वी फाउंड। नॉर्मली हम आपको नहीं बताते तो आपको कहीं पता भी नहीं चलता और इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। तो ना सर यहाँ पे पिन होल्स आपको नजर आ, इधर खड़े हो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये देखो सर ये पिन होल्स दिख रहे हैं। वी टुक टाइम बट वी विल गिव यू एग्जैक्टली व्हाट इट इज सपोज टू बी। अब कस्टमर को हमने अच्छी तरीके से बता दिया कि कहां कहां पे हमें डिफेक्ट्स मिले हैं पेंट में और कस्टमर को वो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, बट देन ही हैड नो अदर ऑप्शन। हमने कोशिश किया कि जितने भी पैनल्स हैं जहां पे भी डिफेक्ट्स हैं उसको अच्छी तरीके से रेक्टिफाई करें, पॉलिश करें एंड देन वापस स्टार्ट करें अपना PPF का एप्लीकेशन। इसमें डेफिनेटली हमें एक दो दिन एक्स्ट्रा लगने वाला था बट देन इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पे देखो जो टोयोटा का जो पूरा लोगो आता है ना वो क्रोम में आता है, इसका डीक्रोमिंग हमने पहले कर दिया था और जो नीचे के स्किड प्लेट्स होते हैं ना जो फ्रंट बम्पर के नीचे होते हैं वो सारा पार्ट सिल्वर कलर का होता है, इसको सारा हमने कलर कर दिया है। अब इस पर ना सैंडिंग का एप्लीकेशन बाकी है तो बम्पर हमने फिट कर दिया है। सैंडिंग एप्लीकेशन के बाद ये एग्जैक्टली इन पियानो ब्लैक फिनिश पार्ट जैसा एक जैसा दिखेगा, तो इसमें ना आपको कोई भी डिफरेंस नहीं पता चलेगा। प्लस टोयोटा का जो लोगो ब्लैक हुआ है ना तो पूरी जो ओवरऑल गाड़ी है ना फ्रंट से जो फेस है वो पूरी की पूरी ब्लैक दिख रही होगी। एंड बात करें अगर अपनी सेकंड गाड़ी की तो सेकंड गाड़ी भी यहाँ पे ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, उस पर SRS का एप्लीकेशन चल रहा है। बम्पर्स और बाकी सारे पार्ट को हमने डीक्रोम करके प्राइमर एप्लीकेशन कर दिया है। यहाँ पे SRS का प्रोसेस कंप्लीट होगा, वहाँ पे पेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर वो सारा बम्पर और वो सारे पार्ट्स हम फिट करेंगे, इसमें करेंगे उसमें सैंडिंग और उसके बाद गाड़ी लाएंगे बे पे फॉर PPF। अब जब तक ये पूरा पेंटिंग वाला काम चल रहा है हम देखते हैं कि क्योंकि गाड़ी जैसा मैंने बताया कि एक डेडलाइन है जब कस्टमर को हमें गाड़ी देनी है। अब जितना पेंटिंग में टाइम लगेगा उतना तो लगेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों गाड़ियाँ हमारी बे पे हैं एंड इसके बम्पर वगैरह तो हमने फिट कर दिए हैं। दूसरा बम्पर क्योंकि पेंट हुआ था और उस पर अभी सैंडिंग और बाकी प्रोसेसेस बाकी है तो उसको हमने फिट नहीं किया है। प्लस इसके क्लैडिंग्स भी हम ब्लैक कर रहे हैं और यहाँ पर क्लैडिंग्स ब्लैक नहीं थे, तो यहाँ पे आप क्लैडिंग्स जो नॉर्मल कंपनी से आता है एग्जैक्टली वही है और यहाँ पे पूरी क्लैडिंग ब्लैक होगी। तो आपको ना दोनों गाड़ियों में विजिबल डिफरेंस दिख रहा होगा, एलॉयज दोनों के ब्लैक है, कैलिपर्स दोनों के रेड हैं, दोनों पे एग्जैक्टली PPF का काम कर रहे हैं, बट देन ये थोड़ी ज़्यादा ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक दिखेगी, इसमें थोड़ा सा मैट फिनिश भी आएगा।
अब हम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे यार, गाड़ियां इतनी सुंदर लग रही थी, पार्ट पेंट होने के बाद ना उसकी फिटिंग का इंतजार था और इंतजार था अपने लास्ट स्टेप का विच वॉज PPF। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, प्लस नर्वसनेस भी उतनी ज़्यादा थी कि यार गाड़ियों को जिस हिसाब से हमने सोचा है उस हिसाब से रेडी कर पाएंगे या नहीं, क्या वो कस्टमर को पसंद आएगी या नहीं, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस एंड टेंशन वाला माहौल था। फाइनली आज हम गाड़ियाँ डिलीवर करने वाले हैं, कस्टमर्स ऑन द वे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी अभी तक देखी नहीं है, बट उनका रिएक्शन क्या होगा मजा आएगा। वेरी अमेजिंग, क्या जबरदस्त लग रही है। कैसी लग रही है? बहुत प्यारी, मेरे को गूज़बम्स आ गए थे देख के गाड़ी, बहुत प्यारी। ऐसा लग रहा है इवन लाइक दैट ग्लॉस वाज लाइक नॉट इवन पार्ट ऑफ, जब मैंने नई खरीदी उससे भी बेटर लग रही है। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था सीरियसली, जैसे शोरूम में थी उससे भी बेटर लग रही है। स्पेशली जो मेरे को लगता है कि फॉर्च्यूनर को ब्लैक एडिशन बनाना चाहिए, लुकिंग अमेजिंग। स्पेशली मेरे को लोगो बहुत प्यारा लग रहा है, फ्रंट लुक सबसे प्यारी है, सबसे सुंदर। हाँ। और घर वाले मेरे बहुत खुश होने वाले हैं। देख मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आप एग्जैक्टली बताओ कि आपको कैसी लग रही है? मतलब बेटर देन हाउ वी रिसीव्ड इट फ्रॉम शोरूम, मतलब किलर, मतलब रील्स पिक्चर्स कोई जस्टिस नहीं करता एक्चुअली जैसी लग रही है ये। हाँ, सामने से ब्यूटीफुल, गॉर्जियस बिल्कुल, मतलब मुझे लग रहा है मैंने कम पैसे दे दिए इस कार के, 50 लाख भी सस्ते लग रहे हैं। जितने भी क्लाइंट्स यहाँ से अपनी गाड़ी के डिलीवरी लेते हैं ना, उनके मुंह से एक चीज जरूर निकलती है कि यार मेरी गाड़ी शोरूम से भी ज्यादा अच्छी और सुंदर दिख रही है। और ये सुन के सीरियसली यार, वो कहते हैं ना सुकून, वो सुकून वाला जो वर्ड है ना, वो इस चीज में पर्टिकुलरली फिट होता है। तो ये था हमारा फॉर्च्यूनर डार्क एडिशन आपके लिए। आप प्लीज कमेंट करके बताना कि ये वीडियो और ये फॉर्च्यूनर आपको कैसी लगी। काफी ज्यादा मेहनत की थी हमने इस फॉर्च्यूनर पे और जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा उभर के निखर के आया इसका रंग। नो लिटरली लाइक आई वाज अमेज्ड गाड़ी को देख के, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं विकास सर की तरह गाड़ी का काम करवाऊंगा, बट लाइक उससे भी शायद मेरे को बेटर लग रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ। स्पेशली हमने, मेरे को अब सबसे प्यारा यही लग रहा है कि जो हमने ये बैजिंग की है मैट ग्रे कलर में, दैट इज़ लाइक लुकिंग अमेजिंग। स्पेशली ये फ्रंट लुक देख के तो लाइक कोई भी पागल होने वाला है, आई कैन लिटरली से। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और राय ज़रूर देना कि आपको गाड़ियाँ कैसी लगी। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गुड बाय।